माध्यिका क्या होगी? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, सर दो तीन पांच सात छह सात आठ नौ ग्यारह और 13, कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। माध्यिका निकालनी है आपको, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? पांचवा पद, एक दो तीन चार पांच सात आ जाएगी माध्यिका। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, और नीचे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब आप जानते हो ना सर, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? थ्री ए बी सी होता है। कब होता है सर? ये तब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो हो रहा है। यस, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी सी ऊपर है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नीचे है। यदि 51.25 रुपए किलोग्राम मतलब किसी बैग में 2 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दे रखा है, तो 2 रुपए मतलब 200 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 का गुणा करूंगा 600, 250, 175। तो 600, 250, 175 कितना आ गया? 5, 2, 6 और 4, 10। सर ये आ रहा है 10.25, या फिर कह सकते हैं इतने पैसे बराबर किसके है? 5125 पैसे के। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 5। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5 रेशो, यानी कि 5×25। नेक्स्ट देखते हैं। चलो हम ये कह सकते हैं सर कि ये सारा खर्चा किस पर हो रहा है? 4.5, 40%। मैंने मान ली कि उस बंदी की आई 100% आई, उसमें से 4.5% टैक्स चला गया 100% पर और 40% उसने सेव कर लिए अपने पैसे के, यानी कि उसके पास कितना बचा? उसके पास 55.5 रुपया, 5% बच गया। अब इस 55.5 का वह, ठीक है, 55.5 का वह शेष में से 20% भोजन पर खर्च करता है, और भोजन पर खर्च करने के बाद उसके बाद इतने बचते हैं, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 55.5 का कितना परसेंट? 80%। यही बराबर है इसके 18,204 के। ये कितना हो गया सर? 11.1, 44.4। सुनना जरा, तो 44.4 18,204 के बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 111 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। कितना आ रहा है? 41। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 100% बराबर हो गया सर 41,000। और आयकर कितना है? 4.5। तो 41 × 45 निकाल दो अंदाज से, कितना निकल गया? 1845 आ रहा है क्या? चलो ये आंसर है मेरे। हम ये कह सकते हैं, कैसे करेंगे? यदि तीसरा पद -1 है और आठवां पद 19 है, तो समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग क्या होगा? हमेशा याद रखना, जिस तरह का एक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायरेक्ट भी कर सकते हो। तीसरा पद यानी कि 2D और आठवां पद यानी कि 7D, तो 7D में से 2D जाएंगे तो 5D, 5D में से 19 में से 5D बराबर 20, D बराबर 5, D बराबर 5 आ गया, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो आपके सामने? सॉरी, D बराबर 4 आएगा शायद, है ना? हाँ 4 आएगा, D बराबर 4 आएगा, D बराबर 4 आएगा, तो यहां से आप निकालोगे 4 × 2 = 8, 8 और -1, -1 तीसरा पद है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा कितना आपके सामने? -9। तो 11 पदों का योगफल कैसे निकालोगे? तो प्रथम पद आ गया -9, कर लोगे ना? देखो मैं बताता हूँ सर, तीसरा पद हमें दे रखा है -1, जो कि क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 2D। हमें आठवां पद दे रखा है सर, कितना? आठवां पद दे रखा है हमें 19, ये क्या है? ए प्लस
सेवन डी, कोई दिक्कत कोई टेंशन, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो आप क्या करोगे इसमें से, यही तो घटाते हो, तो सर ये निकल कर आ रहा है 5d = 20, डी बराबर आ गया 4। अब डी बराबर आपका 4 निकल कर आ गया, तो ए बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, -1, ए +8, तो ए बराबर निकल कर आ जाएगा -9। कोई टेंशन नहीं है, चलिए अब सब कुछ है आपके पास, अब आपको बस n 11 पदों का योगफल निकालना है। क्या होता है, 2n/2 2a + n-1 × d, क्लियर। चलिए तो n की वैल्यू कितना रखोगे, 11/2 2a माइनस का 18, n-1 10, d की वैल्यू 4, हो गया काम। तो 11/2 40 में से आपके 18 चले गए, तो कितना आएगा 22, तो ये हो गया 121। देखिए नीचे दिए गए आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, PA कोण P को समद्विभाजित करता है और SA कोण S को समद्विभाजित करता है, तो कोण PAS का मान बताइए सर। चलो करते हैं सॉल्व। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है और ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, तो जान करके काफी अच्छा लगने वाला है कि जब कभी भी अंतःकोणों का अर्धक जो होता है वह हमेशा यहां पर क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, समकोण बनाता है। 27/35 के अंश और हर में से क्या घटाया जाए कि वह 2:3 बन जाए, तो 27/35 में से क्या घटा दूं कि 2:3 बना दूं, तो 27 + 81 और 35 × 70, तो 81 में से 70 गए तो 11 घटा दो सर, x बराबर 11 आंसर आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है सर, एक आयत के प्रत्येक आयाम में 200% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आयत के प्रत्येक आयाम में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में दोनों में, तो हम ये कह सकते हैं सर 200% की वृद्धि का मतलब 1 से 3, यानी कि एक अगर क्षेत्रफल था तो अब 9 हो गया, तो कितने की वृद्धि दिखा रहा है, 8 की दिखा रहा है, 1 के सापेक्ष में गुणा 100, तो उत्तर आएगा 800%। असीमित वितरण दे रखा है, जहां पर आपको माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, मोड बराबर आपका, सिंपल बात है सर, मोड बराबर हम इजीली देख पा रहे हैं और देख भी सकते हैं कि मोड बराबर होता है 3 × median - 2 × mean, यानी कि 2 × 3 = माध्यिका - 2 × माध्य। अब 3 × माध्यिका दे रखी है 22 × 66 और 2 × 27 = 54 आपको घटाने हैं, तो 66 में से जब आप 54 को घटा देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा, ऑप्शन नंबर ए।